18 मई 2004 को सोनिया गांधी ने एक अभूतपूर्व भाषण दिया। मुझे यही सही लगता है कि आज मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं। मेरी ये इनर वॉइस जैसे कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को स्वीकार ना करूं। तुम्हें याद नहीं, तुमने UCLA से मूवी आर्ट और टेक्नोलॉजी में टॉप किया था। कल स्पॉन्सर्स की मीटिंग भी है, कल अपना प्रोजेक्ट तैयार कर प्रेजेंट करना है। दोस्त, मेरे पास प्रोजेक्ट तैयार है। इंडिया, सोनिया। सोनिया गांधी का एक प्रोजेक्ट लेकर हिंदुस्तान आ रहा हूं मैं। अंकल, मुझे डायरेक्शन करनी है। कंग्रेचुलेशंस। भरो ग्लास में बियर, हुआ से मिस्टर ओवर। भरो ग्लास में बियर, हुआ से मिस्टर ओवर। छलक रहा सागर तू यार मस्ती कर, छलक रहा सागर तू यार मस्ती कर। या या मारिया, या या मारिया, या या सोनिया। ओ गॉड, तुम्हें तो तेज बुखार है। मैं यहाँ बस सोनिया गांधी पर एक मूवी प्रोजेक्ट को लेकर आया हूँ। इंडिया, हीरोइन की तलाश है और ये तलाश मुझे खत्म होती नजर आ रही है। तुम? क्या मैं? हाँ। नो वे, मुझे राजनीति और फिल्म्स दोनों से बहुत नफरत है। कैंसल दिस, मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। स्टारडम या सोनिया गांधी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। थैंक यू सोनिया, आई कांट बिलीव दिस। साउंड, कैमरा, एक्शन। उसे नहीं मालूम था कि 25 साल के बाद उसे हिंदी भी सीखनी पड़ेगी। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है। मम्मी, सोनिया शर्मीली है और आपसे मिलकर अब नर्वस भी हो गई है। सोनिया, कभी मैं भी तुम्हारी तरह जवान थी, शर्मीली, और किसी से प्यार करती थी। अब तुम हमारी हो। थैंक। इस लिबास में पता ही नहीं चल रहा कि तुम हिंदुस्तानी दुल्हन हो या इटालियन ब्राइड। A bride is always a bride. Thanks. तुम्हारे साथ ने मुझे बहुत सुकून दिया है। संजय के हादसे के बाद तो मैं टूट सी गई हूँ। राजीव, मम्मी, अब तो मेरी सियासत की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। मम्मी, क्या आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, राजनीति में मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजीव, राजनीति हमारी विरासत ही नहीं, डेस्टिनी भी है। तुम्हें सीखनी होगी। तुम सीख सकते हो, इंटेलिजेंट हो। क्या तुम अपनी मम्मी को अकेला छोड़ दोगे? मम्मी ने मुझे दुविधा में डाल रखा है। उनका उनका बर्डन बांटने के लिए मुझे राजनीति में हिस्सा लेना ही होगा। नो राजीव, तुम्हें राजनीति से दूर रहना है। राजनीति में ना हमारी समझ है ना दिलचस्पी, और तुम जानते हो राजनीति कभी कभी बहुत खतरनाक और गंदी हो जाती है। मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग रोना नहीं, और अपनी अंतिम क्रिया के बारे में मैंने जो कुछ बताया है उसे याद रखना। राजीव, चलो हौसला रखो। राजीव, इस वक्त भारत को तुम्हारी जरूरत है।
आकर देश की बागडोर संभालो। चलो राजीव चलो। नो राजीव, तुम नहीं जाओगे, यू विल बी किल्ड। मुझे जाने दो सोनिया, मुझे जाने दो। नो राजीव, मुझे जाना ही होगा। नो, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। राजीव, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, जब तक हमें मौत अलग नहीं करती। सोनिया मौत की बात नहीं किया करते। There was an explosion. Is he alive? चंद जले हुए टुकड़े, धुआं और जूते, बस यही। हैंडसम राजीव गांधी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के चंद निशान बच गए थे, उनके कार्य, विजन और व्यक्तित्व की हजारों यादें। It's natural or acting? It's reaction and natural. Sonia, huh? I love you. केतन की जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है? लगता है मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ, अनजाने में, मर्जी के खिलाफ भी। सोनिया, मम्मा, उठो बेटी उठो, 8 बज गए, कॉलेज कब जाओगी? मम्मा, मेरा कॉलेज अब मेरे लिए अजनबी हो चुका है, मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम अब टूट चुका है।